नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर रिंग रोड के द्वितीय चरण के लिए 5,000 करोड़ की मंजूरी देने की घोषणा की है। वहीं रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत 92 किलोमीटर के 6 लेन ग्रीन हाईवे का काम 3 महीने में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही गडकरी सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में उदयपुर में 2500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 17 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर जोधपुर एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी देने की घोषणा भी की थी। गडकरी ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से यहाँ के सीमेंट, मार्बल और अन्य उद्योगों का तेजी से विकास होगा और राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। राज्य सरकार राजस्थान को रेलवे फाटक मुक्त बनाने की दिशा में योजना तैयार करे, केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से मदद करेगी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हमें प्रदूषण फैलाने वाले परंपरागत ईंधन को छोड़कर बायोडीजल जैसे वैकल्पिक ईंधन को अपनाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में शीघ्र ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे पर इलेक्ट्रिकल बस चलाई जाएंगी। इन बसों में यात्रा सुविधाजनक होगी और किराया डीजल बसों की तुलना में 30% कम होगा। उन्होंने कहा कि जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनगढ़ से दिल्ली के बीच मरम्मत का कार्य 1500 करोड़ की लागत से करवाया जा रहा है। यह कार्य जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़क तंत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से 23 किलोमीटर के 6 लेन बाईपास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा होने से उदयपुर शहर को अहमदाबाद जाने वाले ट्रैफिक के दबाव से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे का काम पूरा होने से भी आवागमन में राहत मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की 21वीं सदी की ओर अग्रसर है। डबल इंजन की सरकार से प्रदेश में विकसित और गति चौगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि 2500 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों पर राजमार्गों के लोकार्पण और शिलान्यास से प्रदेश का सड़क तंत्र सुदृढ़ होगा। इसके साथ ही सीएम ने गडकरी को जयपुर की रिंग रोड के द्वितीय फेज स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अलवर, भरतपुर, सांचौर एवं टोंक जिलों में आरओबी स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सड़कों के निर्माण और उन्नयन के क्षेत्रीय असंतुलन पैदा किया है। इस भेदभाव का निदान करने के लिए हमारी सरकार ने स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।